शहर से दो शातिर चोरों को पकड़ने में हुड़केश्वर पुलिस को सफलता मिली है। जबरन चोरी, बाइक चोरी जैसे अनेक अपराधों को अंजाम देने वाले इन दोनों शातिर चोरों को पुलिस ने दर दबोचा है, जिन्होंने अपने पूर्व करतूतों की गवाही खुद दी है। इन दिनों नागपुर शहर में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती नजर आ रही है। उसी प्रकार 16 अप्रैल को हुड़केश्वर पुलिस थाना अंतर्गत इंद्रकांत या सकर, उम्र 59 वर्ष, आरती सोसाइटी हुड़केश्वर निवासी ने शिकायत दर्ज की थी कि जब वह 10:30 बजे के करीब सुबह बाहर निकले तो दो अज्ञात पैदल जा रहे युवकों ने उनके गले से सोने की चेन खींच कर भाग गए। इस घटना के बाद से पुलिस दोनों ही आरोपियों की तलाश में थी कि फिर 19 अप्रैल को जबरन चोरी की घटना सामने आई, जिसमें गुप्त जानकारी के आधार पर जांच में आरोपी पकड़े गए, जिनके नाम असलम काजी उम्र 22 वर्ष, आर्यन लांगड़े उम्र 20 वर्ष और अनुज वर्मा उम्र 28 वर्ष है। जब इन्हें हुड़केश्वर पुलिस ने हिरासत में लेकर अधिक मामले की पूछताछ की तो जांच में सामने आया कि जरीपटका थाना अंतर्गत असलम काजी और आर्यन लांगड़े पर जबरन चोरी, कार चोरी, चैन स्नैचिंग जैसे 10 से अधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों से पूर्व में की गई चोरियों से भी कुल 4,05,000 का माल जब्त किया है और धारा 279, 392, 414 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दिनांक 16/4/2023 रोजी पोलीस स्टेशन हुड़केश्वर हद्दीमध्ये एक चेन स्नॅचिंगची घटना घडली होती। फिर्यादी केसकर हे 10:30 वाजताच्या सुमारास गाडी केल्यानंतर ते पाणी बाहेर फेकायला घराच्या बाहेर आले आणि तिथे थांबून असता दोन अज्ञात पायी चालणाऱ्या इसमांनी त्यापैकी एकाने त्यांना पकडून दुसऱ्याने त्यांच्या गळ्यातील जी चेन आधी हिसकावली होती आणि अर्धी चेन ही त्यांच्या आरोपींच्या हातात आली आणि अर्धी चेन तिथेच पडली, तर ती फिर्यादीला मिळेल म्हणून अर्धे चेन घेऊन ते आरोपी पसार झाले होते। त्यानंतर वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनात माननीय पोलीस आयुक्त साहेब, माननीय पोलीस उपायुक्त जोनपूर साहेब, तसेच माननीय सहायक पोलीस आयुक्त साहेब यांच्या मार्गदर्शनात जेव्हा आम्ही सदर गुन्ह्याचा तपास पुढे चालू केला तर दिनांक 19/4/2023 रोजी आम्हाला गुप्त बातमीदाराने खात्रीशीर माहिती दिली की हुड़केश्वर हद्दीमध्ये जी चोरी जबरी चोरी केलेली आहे ती संबंधित इस्मानने केली, त्यावरून आम्ही मग त्या संशयित इस्मानवर सापडा लावला आणि दिनांक 19/4/2023 रोजी त्यांना ताब्यात घेतले। ताब्यात घेतल्यानंतर जेव्हा आम्ही त्यांचे नाव पत्ते माहिती केले तर त्यापैकी एकाचं नाव असलम काजी, वय वर्ष 22, राहणार यशोधरा नगर या ठिकाणचा हा राहणारा होता। त्याचं जेव्हा पार्श्वभूमी आणि क्राईम रेकॉर्ड चेक केलं तर त्याच्यावर जरीपटका पोलीस स्टेशनला विविध कलमांतर्गत ज्यामध्ये शस्त्र कायदा तसेच चोरी आणि जबरी चोरीचे असे जवळपास 10 गुन्हे आम्हाला दिसून आले। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट।